आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ अनुष्का सिंह। तो जैसा कि आज पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाप्त हो चुका है, 58 सीटों पर प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में लॉक हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, 10 मार्च को मतदान का परिणाम आना है। ऐसे में तमाम तरह के जो कह सकते हैं अटकलें हैं वो अब लगाई जा रही है, किस दल को इस बार फायदा पहुंचने वाला है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होने वाला है। जाटलैंड में आज चुनावी जो है शोर वो आज पूरी तरह से थम गया है, पहले चरण का मतदान आज समाप्त हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत इस वक्त ईवीएम में लॉक हो चुकी है। आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शशिकांत पांडे जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी। तो जिस तरह से शशिकांत जी आपने देखा कि पहले चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है, 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो कुल 55.70% मतदान उत्तर प्रदेश के पहले चरण में पूरा हो चुका है, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? अनुष्का जी, ये इस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है कि लगभग 58% मतदान जो है, हम कहेंगे कि एक अच्छा वोटर्स का जो है एक अच्छा उत्साह दिखाई पड़ता है इसमें, और एक अच्छा मतदान प्रतिशत है। और इससे हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं डिस्कर्स की तरफ, कि इससे ऐसा लगता है कि कुछ हंग असेंबली तो नहीं होगी, क्योंकि वोटर की जितनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी होगी उससे उतना ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी होगी, और जो स्पष्ट बहुमत की तरफ जो है वो मुझे लगता है कि वो जाएगा जिस भी पक्ष में जाए चुनाव जी। वहीं पर अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें तो जिस तरह से तमाम दलों के लिए चुनाव जो है वो चुनौतीपूर्ण होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह साबित होने वाला है। तमाम तरह के मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा किसान का मुद्दा था, और ये जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान बाहुल्य इलाका माना जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज का जो चरण हुआ है इस चुनाव में ईवीएम मशीनों में भारतीय जनता पार्टी के 9 ऐसे मंत्री है की किस्मत लॉक हो चुकी है, जो इस वक्त ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर है और एक अच्छे पद पर तैनात है। किस प्रकार से देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का चरण, क्या ये भुना पाएंगे इस जो अपॉर्चुनिटी है, या पिछली बार की तरह जो इनका एक कह सकते लहर देखने को मिली थी वो इस बार रिपीट नहीं होने वाली? देखिए, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी उसमें और अभी में ये अंतर है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इस बार वो सत्ता में रही है, 5 साल उसकी सरकार रही है। निश्चित रूप से जब सरकार में है तो उसका मूल्यांकन उसके कामों के आधार पर होगा। पिछली बार मोदी एक बहुत बड़े फैक्टर थे इस चुनाव में, और ऐसा देखा गया कि लोगों ने जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया था, तो स्वाभाविक है कि वो एक मोदी के चेहरे पर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था, और एक अप्रत्याशित जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। अगर हम इस बेल्ट में जहां चुनाव हो रहा है देखें तो इस 58 में से 53 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, और उस पूरे क्षेत्र में 130 में से 119 सीटों पर जो उनकी जीत थी वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत थी, और उस फीट को, उस सक्सेस को रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी और 5 साल सत्ता में रही, और जो एक दो अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं रही, साल भर से ज्यादा जो है वो किसानों का आंदोलन चला, उसके बाद जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई, या फिर कोविड का जो दौर था और उसके बाद बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, तो कई मुद्दे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो जयंत और अखिलेश का साथ आना है और उसका भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और भारतीय जनता पार्टी ने जो इस कृषि कानूनों को वापस लिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की है कि जो एक वो बैकफुट पर थे, कहीं उनके विधायकों और मंत्रियों को गांव में घुसने को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को काफी हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर आप टिकटों का बंटवारा देखें तो सबसे ज्यादा जो है ये जाट बेल्ट है, और वहां पर सबसे ज्यादा जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से दिया है, और इसके अलावा उन्होंने लीडरशिप जो पिछली बार में भी नर्चर की थी उस समाज से, तो उसका एक उस माध्यम से उनकी एक कोशिश जरूर है
हम जो है अगर अपनी पिछली बार की जो परफॉर्मेंस को अगर रिपीट न भी कर पाए तो वो कोशिश जरूर उनकी होगी कि हम जो है वो इतना तो वहां पर हम अच्छा परफॉर्म करने कर लें कि जिससे हम जो है वो पुनः सरकार जो है वो फॉर्म कर लें। जी, वहीं पर अगर हम देखें तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आप हम लोगों ने जिक्र किया कि बैकफुट पर थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ टिकटों के बंटवारे में कई नेताओं के और कई ऐसे चेहरे थे जिनके टिकट उन्होंने काट दिए थे, वहीं अगर हम देखें ध्यान से अगर देखें तो 58 सीटों पर जो ये पहले चरण का मतदान हुआ है इसमें पुराने चेहरों पर ही विश्वास जताया गया है, ज्यादातर सीटें उन्हीं लोगों को दी गई है जो पिछली बार जीत उन्होंने हासिल की थी। तो क्या लगता है कि पिछली बार के चुनाव की वजह से या फिर इस बार वो प्रेशर में है और एक उनके पास में वीक पॉइंट है और जिस पर जनता जो है वो खेल सकती है, तो पुराने चेहरों पर ही उन्होंने विश्वास जताते हुए एक सेफ साइड खेला है, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी ने ऐसी बीजेपी की अपनी एक उनकी अपनी तरफ से भी जो एक कहीं कुछ छन करके खबरें आई थी कि वो इस बार उनकी तैयारी है कि वो 100 से ज्यादा जो है वो अपने कैंडिडेट्स को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विधायकों के प्रति भी एक और मंत्रियों के प्रति नाराजगी भी थी, क्योंकि जो कोविड के दौर में ऐसा देखने में आया और लोगों के आरोप रहे कि वो विधायक या मंत्री जो है वो क्षेत्रों में लोगों के बीच तक नहीं गए, तो पार्टी के अंदर भी एक ऐसी शुरुआती दौर में चर्चा थी कि शायद एक बड़े पैमाने पर विधायकों के मंत्रियों के टिकट कटें, लेकिन जैसा कि आपको मालूम हुआ कि चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले जब ओबीसी समाज के जो कुछ बड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य या जो धर्मपाल सैनी और इस तरह से जो दो तीन बड़े नेताओं का उनके साथ 10-12 जो खासकर जो पिछड़े समाज के नेता थे उन्होंने जो पार्टी छोड़ी, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जो है उनके जो थिंक टैंक है उन्होंने विचार किया और शायद यह एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो बड़े पैमाने पर जो टिकट काटने के बारे में सोच रहे थे उन्होंने जो है अपने पुराने ही प्रत्याशियों पर भरोसा जताया और उनके साथ ही वो चुनाव मैदान में है। और क्या बाकी जो तमाम समीकरण हैं उस पर तमाम चर्चा हो सकती है कि ये इक्वेशन किस रूप में वर्क करेगा, क्या एसपी और आरएलडी का अलायंस जो है वो काउंटर कर पाएगा। बसपा ने बहुत सारे, आपको मालूम है कि बीएसपी की तरफ से, एआईएमआईएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक मुझे लगता है कि कुछ सीट्स में वहां पर एक ट्राइंगुलर कॉन्टेस्ट की भी स्थिति बन सकती है। बीएसपी को हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, बसपा का एक अपना साइलेंट वोट बैंक रहा है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि शायद जो है इस बार वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट न कर पाए, लेकिन जहां पर उनके मान लीजिए कि अगर मुस्लिम समाज से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव और उनका अपना लोकल इन्फ्लुएंस है और अगर जो दलित समाज के भी वोट जुड़ते हैं और कैंडिडेट अच्छा फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्राइंगुलर कंटेस्ट की भी स्थिति बन सकती है और उन परिस्थितियों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पोजिशन जो है एडवांटेजियस भी हो सकती है। जी शशिकांत जी, जिस तरह से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में बैकफुट पर है, इसको लेकर तमाम दिग्गजों ने रैली करके जनता को साधने की कोशिश भी की थी, अपना स्पष्टीकरण लखीमपुर खीरी कांड हो या फिर किसान आंदोलन उसको लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ही दिनों पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिस मैनिफेस्टो में उन्होंने मुख्य तौर पर किसानों पर ध्यान अपना केंद्रित किया है। अगर हम मैनिफेस्टो पर भारतीय जनता पार्टी की नजर डालें तो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात कही कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। वहीं अगर दूसरी पार्टियों के मैनिफेस्टो से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो उन्होंने इसको डिवाइड नहीं किया है, यह नहीं बताया कि छोटे जो लघु किसान हैं या फिर सीमांत किसान उनकी बात ना करते हुए उन्होंने सभी किसानों के लिए इस चीज का जिक्र किया है। इसके अलावा 5 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना की बात कही है, सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात कही है, गन्ना किसानों का जो भुगतान है 14 दिन के अंदर करने की बात कही है, ऐसे तमाम तरह की घोषणाएं उनके मैनिफेस्टो में हो चुकी हैं। क्या लगता है, एक तरफ जहां वो ये कह रहे हैं कि भाई तिकोनिया कांड हुआ लेकिन उसका आरोपी चाहे वो कोई किसी नेता का बेटा हो या फिर सामान्य, अगर वो आरोपी है तो वो जेल में रहेगा और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। किसान आंदोलन, किसानों को समझाने की कोशिश की गई, जब वो नहीं माने तो 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और तीनों बिलों को वापस ले लिया जाता है। किसानों को साधने की कोशिश तो पूरी तरह से की गई है, लेकिन क्या पश्चिमी यूपी का किसान वो उनकी बातों में आ पाया है या फिर आरएलडी और सपा को इसका एक बड़ा फायदा इस बार देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि जो किसान जो है, किसान भी एक एज ए यूनिट कभी वोट नहीं करता है। जी, किसान भी जो है वो किसी न किसी जाति वर्ग और से जुड़ा हुआ है
और जब मतदान करने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का पूरा जो राजनीतिक समीकरण है उसमें वह भी जो है अपनी जाति से अपने धर्म से प्रेरित होकर के मतदान करता रहा है। किसान एक यूनिट के तौर पर वो वोट नहीं करता रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि किसान आंदोलन एक बहुत लंबे समय तक चला था और फार्म बिल का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी ने उसको चुनाव में प्रमुखता से उठाया था और उसको अखिलेश यादव ने कैपिटलाइज करने की उन्होंने कोशिश भी की थी। जी। और विशेषकर जो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था और उसमें उनकी कुछ जो घोषणाएं थी, खासतौर से उन्होंने भी जो है कहा कि हम जो है 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और तमाम उन्होंने घोषणाएं की थी। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं एक अंदेशा था कि हमें जो है इस किसानों के नाराजगी को दूर करना है, और इसलिए उन्होंने जो है इस तरह की अपने मैनिफेस्टो में ये सारी बातें कही। और विशेषकर जो उन्होंने पहले ही जो ये तीनों फार्म बिल को विड्रॉ कर लिया, तो उससे उनकी एक तरह से कोशिश थी तो जरूर है कि हम इस जो किसान कहीं ना कहीं अगर किसानों में हमारे प्रति नाराजगी है तो उस नाराजगी को हम दूर करने की कोशिश करें, और जो चीजें हमें मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ रही हैं वो उसी का रिफ्लेक्शन है उनके मैनिफेस्टो में। लेकिन एक चीज हमें समझना होगा कि क्या दलों के साथ आ जाने से लोगों के दिल भी जुड़ जाते हैं। पिछले चुनाव को आप देखें तो अगर लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा के चुनाव में 90% से ज्यादा जो है वो जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जबकि एसपी आरएलडी और बसपा तीनों का अलायंस था। तो उसके उसके एक कारण थे जो कि अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है इतना बड़ा जो है वो जाट समाज का समर्थन अपने पक्ष में करने में रही थी, और चौधरी अजीत सिंह हो या फिर चौधरी जयंत हो वो भी अब चुनाव हार गए थे। इस बार कुछ समीकरण जरूर बदले हैं, क्योंकि जैसे ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई चौधरी अजीत सिंह ने जो है वो तुरंत जो है वो राकेश टिकैत को अपना समर्थन एक्सटेंड किया, उसके अलावा जयंत चौधरी ने भी जो है अपना पूरा का पूरा समर्थन दिया, और उन्होंने चौधरी जयंत ने बहुत बड़े पैमाने पर वो जो है वो सभाएं की, और उसका एक उनकी जो लगातार जो उनकी सभाएं हुई, और उसी बीच में चौधरी अजीत सिंह की कोरोना से मृत्यु हो जाना, एक कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल भी जो अटैचमेंट जो है वो जयंत के पक्ष में लोगों का हुआ है। अब बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एसपी आरएलडी का अलायंस किस रूप में परफॉर्म करता है, कि जो जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको आरएलडी का जो विशेषकर जो जाट समाज के जो लोग हैं वो कितना समर्थन करते हैं, क्योंकि जो जो 2013 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे और उसके बाद जो दिलों की दूरियां आई थी जो जाट और मुस्लिम समाज में, जिसे चौधरी चरण सिंह ने बहुत मेहनत से जिसको तैयार किया था, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार 14, 17 और 19 में वो लाभ दे चुका है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें काफी आगे जा चुकी है। उसने इन समाजों से नेतृत्व पैदा किया है, तमाम संजीव बालियान, संगीत सोम और तमाम नेता उन्होंने पैदा किए, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें गवर्नर बनाया, केंद्रीय मंत्री परिषद का अंग बनाया है। तो एक तरह से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो जाट कम्युनिटी भी है उसके लिए अछूती नहीं है, और लगातार आप देखिए कि तमाम दोनों ही पक्षों से, दोनों ही अलायंसेस से पोलराइजिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में यह चुनाव और ये जो प्रथम फेज में भी चुनाव हुआ है या सेकेंड फेज में भी होगा, यह इस बात की दिशा और दशा तय करेगा कि किस हद तक जो है लोगों के बीच में अलायंस हुआ है। पार्टियों का तो अलायंस हुआ, समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में आए, लेकिन लोगों का कितना अलायंस हुआ है, कितना जाट और मुस्लिम कम्युनिटी या अन्य समाज भी है, क्योंकि आप केवल यही नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, गुर्जर, सैनी, त्यागी, कश्यप, ये वर्ग है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर एंट्री ले चुकी है। तो कितना जो है वो एसपीआरएलडी का अलायंस इसमें स्थान बनाया है, यह भी बहुत कुछ जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस चुनाव में और चुनाव के परिणाम में। जी, जिस तरह से हम जयंत चौधरी के बारे में जिक्र कर रहे थे, 2017 के अगर हम परिणामों की बात करें तो जयंत चौधरी कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ आपने बहुत सही बात कही कि अजीत सिंह की मौत के बाद से उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा मिला था, वही अब वो पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं और वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर पर इस वक्त वो जाटलैंड में दिखाई दिए, जिस तरह से उनके हमने लगातार
कह सकते हैं संबोधन सुने हैं उनके भाषणों में, वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो इस वक्त डेवलप हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवा चेहरा माने जाते हैं, युवाओं को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब बयानबाजी की बात आती है तो बयानबाजी उनकी एक हेल्दी पॉलिटिक्स की बात करते करते वो नेगेटिव एस्पेक्ट उनका दिखाती है। जहां पर उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे थे, गर्मी और चर्बी निकालने की बात वो कर रहे थे। इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं क्या लगता है, क्योंकि आज वो जनता नहीं रही है जो सिर्फ जाति के आधार पर या फिर कह सकते हैं कि किसी के बहकावे में आके वोट डाले, आज जनता बदल चुकी है। आप एक युवा नेता हैं, आप अच्छे कह सकते हैं समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप मंच पर जाके इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या लगता है इसका कुछ नुकसान आरएलडी को मिलेगा? देखिए, हमें इसको समझना होगा क्योंकि चुनाव के समय में खास तौर से ये कोई एक दल या एक नेता की बात नहीं है, सभी पार्टियां जो है वो बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग करती हैं। और आप देखेंगी, अगर स्टेटमेंट्स देखेंगी तो लगभग हर दल में और हर जो लीडरशिप है वो इस तरह के बयानात देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो नेता है, जो वो जनता के सामने मंच पर वो खड़ा होता है और उसके सपोर्टर्स की एक हजारों हजार लोगों की जो तादाद होती है उसके सामने जब वो एक्सटेम्पोर बोल रहा होता है, क्योंकि उसमें कहीं भी सेंसर नहीं होता, तो कई बार वह जो है वो इस तरह के बयान दे जाता है और जो कि कहीं ना कहीं कि उसे एक सार्वजनिक जब प्लेटफॉर्म पर वो बोल रहा होता है तो उसे बचने की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी एक पार्टी के या एक नेता की बात नहीं या एक कोई बयान से जो है जनता देखिए मन बनाती और बिगाड़ती नहीं है। जनता को यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कई बार अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में बात करें तो कई बार हम कमतर करके आंकते हैं और हम जातियों के आधार पर ही उनकी एनालिसिस शुरू करके और समाप्त भी कर देते हैं। अगर हम मात्र पीछे के तीन केवल चुनावों को देख लें, हम 2007 में बसपा आती है, 2012 में समाजवादी पार्टी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी, यह अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो काफी मैच्योर हो रहा है। और वो मैं ये तो नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से या जो पूरा नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स से ही जाति की भूमिका समाप्त हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जातियों के साथ साथ जो वोटर है वो मुद्दों पर भी जो वो मतदान करने लगा है और मुद्दे भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने देखिए प्रारंभ में तो उन्होंने विकास पर बहुत फोकस किया और तमाम उनकी जो विकास की योजनाएं हैं उन्होंने कोशिश की कि वो जनता तक पहुंचे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन अकाउंट खोलना हो या किसानों के खातों में धन भेजना हो। और लेकिन वही जब चुनाव के समय आए, जब चुनावी भाषण है नेताओं के हो रहे हैं, तो उस समय जो है वो जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो अलग रूप में सेट करने की कोशिश हो रही हो। तो जयंत चौधरी का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से यह पहली बार चुनाव उनके नेतृत्व में हो रहा है और पढ़े लिखे युवा नेता हैं। जाटों में निश्चित रूप से और विशेषकर यंग जो जाट वोटर हैं उनमें उनको लेकर के उत्साह है। और जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स है कि जो जाट वोटर्स हैं कहीं ना कहीं वो चौधरी जयंत से प्रभावित भी हैं, लेकिन वो सब कुछ हमें 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा कि वह प्रभाव कितना वोट में ट्रांसलेट करता है या ये जो अलायंस उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ किया है ये कितना उनके लिए बेनिफिशियल होता है या उनको भारी पड़ सकता है, इसके लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जी, जहां पर हम मतदाताओं की बात कर रहे हैं, किसानों के अलावा महिलाएं भी हैं जो इस बार अहम भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं का जिक्र इस बार के चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है और बार बार महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है, जहां कांग्रेस पूरी तरह से महिलाओं को फ्रंट फुट पर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां भी जो है महिलाओं के लिए सौगात लेकर आई है, चाहे फ्री की स्कूटी हो गई, फ्री शिक्षा हो गई या फिर उन्हें आरक्षण देना। हर एक दल ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को एक अलग जगह दी है और महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं रखी हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है और जो महिलाओं पर जो एक दांव खेला गया है, कितने कामयाब हो पाएंगे सियासी दल और क्या इसके पीछे आपको एक कारण नजर आता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बल्कि मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि इस चुनाव की एक जो है वो सबसे अच्छी बात क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से इस चुनाव में जो खास तौर से जो प्रियंका गांधी ने जो यह अनाउंस किया बहुत पहले ही कि हम एक तिहाई सीटें जो है वो महिला कैंडिडेट्स को देंगे, और उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, उन्होंने बाकायदा टिकट भी उन्हें देने की कोशिश की,
और जो एक तरह से जो पूरी की पूरी जो डिस्कोर्स है वो कहीं ना कहीं उसको बदलने की कोशिश की, और उन्होंने जो है वो जो जहां कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही थी उन्होंने एक तरह से उसको एक विमेन सेंट्री का जो मार्जिनलाइज जो समाज का वर्ग है उसको सामने लाने की कोशिश की। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया प्रियंका गांधी ने कि मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इस मुद्दे को उठाने के बाद से जो अन्य विपक्ष के या सत्ता पक्ष के जो दल हैं वो जो है वो महिलाओं के मुद्दे को प्रमुखता से स्थान दे रहे हैं। तो और आप एक चीज देखेंगे, आप आरएलडी का मैनिफेस्टो देख लें, आप समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लें या अन्य पार्टियों के भी, उन्होंने महिला मुद्दों पर जो है कम से कम उन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया है। और ये खास तौर से जो उत्तर प्रदेश जैसे समाज में जो कि एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है वहां पर महिलाएं वोटिंग परसेंटेज का जहां तक प्रश्न है वो वोटिंग तो कर रही है, वो मतदान प्रतिशत में उन्होंने पुरुषों को भी आउट नंबर कर दिया है। लेकिन जब हम ये देखते हैं, और एक मजे की बात है कि हम लोगों ने भी एक सर्वेक्षण भी कराया था, एक महिलाओं की बड़ी तादाद स्वयं के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगी हैं, यानी कि वह स्वयं के जो उनके चॉइस है कि किसे वोट करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। तो यह राजनीति के लिए शुभ संकेत है कि एक आधी आबादी जिसके बारे में माना जाता था कि वह पॉलिटिकली इनडिफरेंट रहती हैं और जो परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो तय करते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, ये हम लोगों ने एक बड़ी प्रेस्टीजियस संस्था से भी मैं जुड़ा हूँ और उसके सर्वेक्षण में भी हमने पाया कि 25% से ज्यादा महिलाएं जो है वो स्वयं के सोच के हिसाब से जो है मतदान करने लगी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा महिलाओं की बातें करना, महिलाओं के मुद्दों को उठाना और उनके लिए स्कूटी या अन्य बातें करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें और बेहतर होंगी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को टिकट दिया। चूंकि कांग्रेस पार्टी का जनाधार काफी कमजोर है और यद्यपि उन्होंने मेहनत की है अपने संगठन खड़ा करने की, लेकिन अगर यही काम अगर कांग्रेस पार्टी करती, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे जो कि सत्ता के प्रबल दावेदार पार्टियां हैं, अगर ये बड़े पैमाने पर उन्हें टिकटें देती और वो जीत के आती और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता, मंत्री परिषद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता, तो शायद ये चीजें हमें पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करती। अभी क्या होता है कि चुनाव में महिलाओं को टिकट मिलते हैं, चुनाव वो जीतती भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी न होने के कारण जब पॉलिसी फ्रेमिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो उस कोर टीम का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। तो लेकिन ये एक अच्छा ट्रेंड है, मैं मानता हूं कि कम से कम जो है इस चुनाव में मैनिफेस्टो में प्रमुखता से दलों ने स्थान दिया है, तो आगे उन्हें कैबिनेट में और विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर और ज्यादा से ज्यादा स्थान मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी जो है इस बार चुनाव में काफी अहम मानी जा रही है और काफी अच्छी मैनिफेस्टो में महिलाओं को जगह दी गई है। इसी के साथ हमें अपनी चर्चा को खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे जी जुड़े हुए थे, जिनके साथ हम पहले चरण के मतदान को लेकर जानकारियां साझा कर रहे थे। तो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पहले चरण के जो वोटिंग परसेंटेज है तमाम जिलों से 5 बजे तक क्या कुछ रही थी, उनके आंकड़े इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 55.70% मतदान शाम 5 बजे तक पहले चरण की विधानसभा सीटों पर हो चुका था। वहीं अब पूरी तरह से जो चुनावी शोर है वो पश्चिमी यूपी में थम चुका है। 58 सीटों पर प्रत्याशियों की जो किस्मत है इस वक्त वो ईवीएम में लॉक हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद हमें टोटल वोटिंग परसेंटेज पश्चिमी यूपी का है वो पूरी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज है उसके बाद अब जो नतीजे रहने वाले हैं वो 10 मार्च को ही सामने आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि किस सियासी दल को सत्ता की कुर्सी इस बार नसीब होने वाली है और कौन से ऐसे सियासी दल हैं जो आगामी 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से वनवास पर जाने वाले हैं। इसी के साथ प्राइम टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।